वेलकम टू मैथ लॉजिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स ग्रुप थ्री का, और ये कोर्स बीएससी एसोसिएट डिग्री के फोर्थ ईयर में एंड बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स के फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर में, और उसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट वन और सेमेस्टर वन में पढ़ाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जी बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? लाइक जी बी या नॉन एम्प्टी सेट। जी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एनी फंक्शन स्टार, कोई फंक्शन होना चाहिए स्टार, उसको हमने कहा है, और कहां से कहां तक हो, जी क्रॉस जी से जी तक। एक आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उसके ऊपर आपने कोई एक फंक्शन बनाया है जो जी क्रॉस जी से जी तक है। यानी जी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, आपने जी क्रॉस जी बनाया और फंक्शन लिया आपने, एक कोई भी फंक्शन लिया जिसको आपने स्टार कहा है, वो फंक्शन कहां से कहां है, जी क्रॉस जी से जी तक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं ऑन द सेट जी। ऐसा फंक्शन जो सेट जी क्रॉस जी से जी में मैप हो, उस फंक्शन स्टार को हम क्या बोलते हैं, उस सेट जी का बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसे हम फंक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं जी एफ है हमारा किस सेट जी क्रॉस जी से जी के ऊपर, और उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं नोटेशंस, कि अगर हमारे पास G में से A और B ले लिए जाए तो हम क्या कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं F of X, Y और आगे कोई इसकी इमेज लिख देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि स्टार ऑफ A कॉमा B, यानी ये ऑर्डर पेयर होगा किसमें है, ये G क्रॉस G का एलिमेंट है। अगर A और B G में है तो ऑर्डर पेयर A B, A कॉमा B किसमें होगा, G क्रॉस G में, और आपने स्टार को अप्लाई करना है जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स के ऊपर। तो हमने स्टार को इस पे अप्लाई किया, और नोटेशन हमने कैसे इस्तेमाल की है कि जैसे नोटेशन हम पहले इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस के केस में, थोड़ी डिफरेंट है कि यहां पे इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, स्टार ऑफ ए कॉमा बी को हम कैसे लिखा करेंगे, ए स्टार बी, ये हमारी नोटेशन है यहां पे फंक्शन की। तो ए एलिमेंट जी का है, बी एलिमेंट भी जी का है, तो ए स्टार बी ये वाला एलिमेंट किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन से ही हमें बता रहा है कि जी क्रॉस जी से जी में मैप, उस ऑपरेशन को हम क्या कह रहे हैं, स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं जी का। तो नोटेशंस ये हैं कि स्टार ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ये जो एलिमेंट है ये हमारा किस में होगा, जी में होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है जो जो स्टार हमने दिया है ये जी सेट का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। जी जो है वो क्लोज होगा अंडर स्टार अगर स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। हम पढ़ते हैं जी कोई सेट, हमने चेक कर रहा हूं कि कोई सेट किसी ऑपरेशन के क्लोज है या नहीं है, तो हम बिल्कुल इसी तरह चलते हैं कि अगर कोई स्टार उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेट जी है वो उस स्टार ऑपरेशन के तहत, बाइनरी ऑपरेशन के तहत क्लोज्ड है। यानी क्लोज होने का मतलब ये है कि आपने स्टार को जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स पे लगाया और जो जवाब है वो आपके जी में ही आ रहा है, तो जवाब आपके सेट जी से बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि सेट जी आपको क्लोज्ड है। तो अगर हम कहें जी स्टार जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, या हम ये कहें कि स्टार जी सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर स्टार, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। एंड ये जो पेयर है जी स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप पॉइंट बोलते हैं, या सिंपली हम जी को बोलते हैं ग्रुप पॉइंट अंडर स्टार। तो इन तीनों बातों के मतलब एक ही है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कुछ। सबसे पहले सेट को मैंने लिया Z, दो चीजें हमें चाहिए यहां पे डेफिनेशन में, एक तो हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और एक हमें फंक्शन चाहिए G क्रॉस G से G में। तो G मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और स्टार को मैंने ले लिया यूजुअल एडिशन, यूजुअल या ऑर्डिनरी एडिशन जो हमारी होती है इंटीजर्स की वो। तो ये एक सेट है, और अगर मैं इसके ऊपर स्टार अप्लाई करूं, यानी इस z क्रॉस z में से कोई एलिमेंट लूं a कॉमा b और उसके ऊपर मैंने स्टार अप्लाई करना है, तो मैंने कैसे अप्लाई करना है, मैंने ऐसे लिखना है a स्टार b। और अब इस केस में जो स्टार है वो क्या है, यूजुअल एडिशन, यानी ये मेरे पास a प्लस b होगा। स्टार क्या है, यूजुअल एडिशन है इंटीजर्स की, a और b z में से एलिमेंट्स मैंने लिए, तो दरमियान में कौन सा स्टार की जगह क्या आ जाएगा, यूजुअल एडिशन आ जाएगी। तो अब ये देखें, अब हमने देखना है कि क्या वाकई ही स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर मैंने जब स्टार को अप्लाई किया यानी यूजुअल एडिशन ली,
तो क्या मुझे क्या कोई ऐसे भी एलिमेंट मिल जाते हैं जेड में कि उनके ऊपर अगर मैं स्टार अप्लाई करूं तो जवाब मेरा जेड के अंदर आ रहा है? तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इस ऑपरेशन के तहत। अगर मैं जेड के कोई भी एलिमेंट्स लूं और उनके ऊपर इस ऑपरेशन को लगाऊंगा तो जवाब मेरा हमेशा किस में रहेगा? जेड में रहेगा। यानी इंटीजर्स, आप इंटीजर्स के ऊपर आप कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं जुरिडिशन का, तो अगर आप इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, सिंपली आप ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास जो जवाब है वो भी अगेन एक इंटीजर ही आता है। कोई ऐसा आप कोई ऐसे एलिमेंट्स आपको नहीं मिलते सेट ऑफ इंटीजर्स में कि जिनको आप ऐड करें तो जवाब आपका सेट ऑफ इंटीजर्स से बाहर चला जाए। तो आपका सिंपली सेट ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोज्ड है अंडर यूजुअल एडिशन, या हम ये बोल सकते हैं कि यूजुअल एडिशन जो है ये z का बाइनरी ऑपरेशन है, या हम ये कहेंगे कि z अंडर यूजुअल एडिशन क्या है? ग्रुप बाय है। हमने देखा कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर द ऑपरेशन यूजुअल एडिशन क्या है? ग्रुप पॉइड है। यानी जो स्टार है जो यूजुअल एडिशन आपने ली है वो इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है, या हम ये कहेंगे सेट जो है हमारा क्लोज्ड है इस ऑपरेशन के तहत और ग्रुप पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप पॉइंट है। नेक्स्ट हम ले लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, अब ऑपरेशन मैंने बदल लिया है, अब हमारे पास है यूजुअल सबट्रैक्शन। तो स्टार अगर हम इस पे लगाए स्टार ऑफ ए बी, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, तो कैसे अप्लाई करना है? हमने कहा ऐसे करना है ए स्टार बी, और स्टार की जगह मैंने क्या लिया है यूजुअल सबट्रैक्शन, ए माइनस बी आ जाएगा। यानी तो क्या हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं ए और बी कि अगर मैं उनको माइनस करूं और जवाब मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स में ना आए? तो ऐसे कोई एलिमेंट्स मुझे नहीं मिलते। यानी कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मुझे नहीं मिलते हैं कि जिनके ऊपर मैं इस ऑपरेशन को लगाऊं और जवाब मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स में ना आए। ऐसा ऐसे कोई एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है इस ऑपरेशन के तहत। सो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर यूजुअल सबट्रैक्शन वो भी क्या है? ग्रुप पॉइंट। और जो यूजुअल सबट्रैक्शन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये भी ग्रुप पॉइंट है। तो जी है हमारा पावर सेट ऑफ एक्स और स्टार है यूनियन ऑफ सेट्स। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं जी में से और उनके ऊपर ऑपरेशन कौन सा लगाना है कि उन सबसेट्स की यूनियन लेनी है। अब हमने जो एलिमेंट्स लेने हैं इस सेट में से वो एक्स के सबसेट्स होंगे और उनकी यूनियन अगेन लेंगे तो वो भी अगेन एक एक्स का सबसेट ही आएगा। और चूंकि इस सेट जी में हमारे पास एक्स के सारे सबसेट्स पड़े हुए हैं तो जो हमने सबसेट्स की यूनियन ली है वो भी अगेन एक्स का सबसेट ही है, तो वो जो सबसेट है वो भी इन्हीं में से कोई एक ही होगा। यानी पावर सेट ऑफ एक्स के जो एलिमेंट्स है वो सारे एक्स के सबसेट्स है। तो जिन सेट्स की आप आपस में यूनियन ले रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट आपके पास मिलेगा एक अगेन एक सेट जो मिलेगा वो एक्स का सबसेट ही होगा और ऑब्वियसली वो इसी सेट में होगा क्योंकि यहां पे एक्स के सारे सबसेट पड़े हुए हैं। सो आपके पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है दो ऐसे सबसेट्स मिले एक्स के जिनको जिनकी आप यूनियन ले और अगेन जो आपका जवाब है वो इस सेट को बिलोंग ना करें। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं हो सकती बिकॉज आपने एक्स के सबसेट्स लिए हैं, उनकी यूनियन से भी एक्स का एक सबसेट आना है और वो जो सबसेट होगा वो जी में से ही कोई एक एलिमेंट होगा बिकॉज जी में जो एलिमेंट्स है वो एक्स के सारे सबसेट्स पड़े हैं। सो ये भी क्या है आपका? ग्रुप पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास सेट है क्यू, सेट ऑफ रैशनल्स। और देखिए स्टार को ए कॉमा बी मैंने कैसे लिया है? ए प्लस बी प्लस वन बाय टू। अब ये वाला जो प्लस है ये मेरे पास यूजुअल एडिशन है और उससे पहले देखें कि यहां पे हमने कहा यूजुअल एडिशन, वहां का यूजुअल सब्ट्रैक्शन। यूजुअल एडिशन और यूजुअल सब्ट्रैक्शन का मतलब था आम, ऑर्डिनरी जमा, ऑर्डिनरी माइनस। तो अगर हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड यूजुअल एडिशन का, इसका मतलब है कोई खास टाइप की भी एडिशन हो सकती है। तो यस, ये भी एक खास टाइप की एडिशन है। ये हमने डिफाइन करवाई है कैसे कि स्टार ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू आपने जो दो रैशनल्स लिए हैं ए और बी पहले उनको ऐड करना है और ये जो एडिशन है ये कौन सी है? यूजुअल। प्लस उसमें क्या ऐड किया हमने? वन बाय टू ऐड किया। यहां पे स्टार ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस वन बाय टू। अब ये स्टार ऑफ ए कॉमा बी क्या है? ये नोटेशन है और ये किसके बराबर है? ए स्टार बी के। तो आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे लिखा करेंगे, यानी मैं स्टार ऑफ ए कॉमा बी की जगह क्या लिखा करूंगा? ए स्टार बी।
ए ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है मैंने, ए प्लस बी प्लस वन बाय टू। ये ए और बी मेरे पास कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब मुझे चेक करना है क्या ये बाइनरी प्रश्न बन जाएगा या नहीं बनेगा। अब देखिए जी, ए और बी दोनों रैशनल्स हैं और उनको आप रैशनल्स को जमा करेंगे, अगेन एक रैशनल ही आता है, और फिर ये वन बाय टू भी एक रैशनल है, तो ये भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, आप अगेन उनको जमा कर रहे हैं, तो दो रैशनल्स का सम अगेन एक रैशनल ही होता है, बिकॉज जो आपका यूजुअल एडिशन है वो भी सेट ऑफ रैशनल्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है। चाहे मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन जो आपका यूजुअल एडिशन ऑपरेशन है वो भी सेट ऑफ रैशनल्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो दो रैशनल्स आप ले रहे हैं, उनको जमा कर रहे हैं, और किस तरीके से जमा कर रहे हैं कि आप ए को बी में जमा करने के बाद फिर उसमें वन बाय टू को भी जमा कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास एक रैशनल ही आएगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, यानी आपको ऐसे रैशनल्स नहीं मिलेंगे इस क्यू में से कि अगर आप उनको जमा करें और फिर वन बाय टू को भी उसमें ऐड करें तो जवाब आपका सेट ऑफ क्यू से बाहर चला जाए। ऐसे कोई एलिमेंट्स आपको सेट ऑफ रैशनल्स में नहीं मिलेंगे। तो जो आपका ये वाला ऑपरेशन है ये भी क्यू के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसके अलावा आप क्यू की अगर बात कर रहे हैं तो आप यूजुअल एडिशन मैंने आपको बता दी, उसके अलावा यूजुअल सब्ट्रैक्शन भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रैशनल्स। सो ये भी क्या है, ग्रुप पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जी हमने सेट लिया है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स का, ऑर्डर मैंने लिया है 2x2, यानी 2x2 ऑर्डर के जितने भी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको हमने जी का नाम दिया, और ऑपरेशन मैंने कौन सा लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखना है क्या स्टार इसका बाइनरी ऑपरेशन है या ये सेट क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ली है मैट्रिक्स की, ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स है और नॉन सिमिलर भी है। अब दो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो अगेन नॉन सिमिलर ही होता है, एंड 2x2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स ले ले आप, उनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको 2x2 ऑर्डर का। यानी आपको ऐसी पॉसिबिलिटी तो मिलेगी ही नहीं कि 2x2 ऑर्डर के आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब अगेन 2x2 ऑर्डर का ना आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मैं ही नॉन सिमिलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमिलर होगा, तो आपके पास यानी ये वाला जो ऑपरेशन है ये भी इस सेट का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कोई एक एलिमेंट भी आपको इस सेट में ऐसा नहीं मिलता जो कि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई, इसकी डेफिनेशन को मीट ना करे। सो ये वाला सेट भी क्या है, ग्रुप पॉइंट है। जी हमने लिया है क्यू डैश सेट ऑफ इरेशनल्स, स्टार हमने क्या लिया है, ए माइनस बी लिया है, स्टार हमने लिया है ए माइनस बी, यानी यूजुअल सब्ट्रैक्शन लिया है। तो क्या ये आपका ग्रुप पॉइंट है, नहीं। यानी एक एलिमेंट कम से कम मुझे ऐसा मिल जाएगा कि जिस पे मैं स्टार अप्लाई करूं तो वो जवाब मेरे पास सेट ऑफ इरेशनल में नहीं आएगा। तो वो कौन सा एलिमेंट है, आप स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 2 ले लें, यानी ए को भी स्केयर रूट 2 ले लें और बी को भी स्केयर रूट 2 ले लें, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, और ये तो सेट ऑफ इरेशनल में नहीं है। सो आपका जो ऑपरेशन है यूजुअल सब्ट्रैक्शन वो क्यू डैश के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है वो किन एलिमेंट्स के लिए होती है, उस सेट जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए। हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, सो ये वाला आपका जो सेट है ये ग्रुप वाइड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेट ए में लिया है वो वाले रियल नंबर्स, 2 भी शामिल है और 2 से सारे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे, और ऑपरेशन है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए जी, अगर 2 या 2 से ज्यादा रियल नंबर, बड़े रियल नंबर्स ले और उनको आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब अगेन एक 2 से बड़ा रियल नंबर ही आएगा। आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलने वाला कि जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें और जवाब अगेन इस सेट से बाहर आ जाए, यानी 2 से छोटा कोई रियल नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आप 2 से बड़े रियल नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो अगेन जो आपके पास एक रियल नंबर आएगा वो भी 2 से बड़ा ही होगा। सो ये भी सेट आपके पास क्या है, ग्रुप पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन सेमी ग्रुप क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी, जी स्टार ये वाला जो
आपने पेयर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये ग्रुप पॉइंट है, स्टार जी के ऊपर बाइनरी प्रश्न है, जी क्लोज्ड है अंडर स्टार, तो ये वाला जो पेयर है यानी जो ग्रुप पॉइंट है वो सेमी ग्रुप बन जाएगा इस ऑपरेशन स्टार के तहत, अगर स्टार कौन सा ऑपरेशन हुआ, एसोसिएटिव हुआ, अगर स्टार कौन सा हुआ एसोसिएटिव ऑपरेशन हुआ तो फिर जो ग्रुप पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। यानी एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, कि आपने ये ब्रैकेट इधर लगाई है और यहां पे इधर लगाई है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, यहां यहां पे आप आखिरी दो लगा लें, यहां पे आप पहले दो के ब्रैकेट लगा लें, और ये बात होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी के लिए, अगर जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर जो ग्रुप पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। और एक और बात आप याद रखें कि यहां पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी, यहां पे इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में कोई नहीं लिखा हुआ कि ये डिस्टिंक्ट होंगे या डिफरेंट होंगे, ये एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। यानी अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है और मैं उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन चेक करना चाहता हूं तो फिर कैसे चेक करूंगा, अगर यहां पे तो तीन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो फिर मैं एक ही एलिमेंट को तीनों दफा लिख सकता हूं। यानी ये जो तीन एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनका डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, ये सारे के सारे जो ए बी सी है इनकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं, इनकी जगह बी भी लिख सकते हैं। यानी अगर सेट में एक एलिमेंट है या सेट में दो एलिमेंट्स है तो फिर तीन एलिमेंट्स हम कहां से लाएंगे। सो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन के लिए जो ए बी सी है इन तीनों एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं होता। और इस ब्रैकेट का मतलब ये कि हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इधर इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इस ऑपरेशन के तहत और दोनों के जो आंसर्स है वो सेम ही रहेंगे, तब हमारा जो पेयर है जी स्टार जो ग्रुप पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो जी को हमने लिया था जेड, स्टार को लिया था यूजर एडिशन, ये हमारे पास ग्रुप पॉइंट था और ये सेमी ग्रुप भी है बिकॉज अगर आप तीन एलिमेंट्स लेके उनको जमा करें आपका जो प्लस है यूजुअल एडिशन जो है वो जेड के ऊपर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, आपको कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले जो इस कंडीशन को फेल कर दें। यानी जो यूजुअल एडिशन है और अगर मैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की भी बात करता हूं ओवर द सेट ऑफ इंटीजर तो वो भी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर जो आपका जेड है वो क्या बन गया, सेमी ग्रुप बन गया, ये सेमी ग्रुप बन गया। नेक्स्ट आप देखते हैं जेड को ऑपरेशन लिया हमने सबट्रैक्शन का, यस यहां पे इशू है, यहां पे आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, क्योंकि ये क्राइटेरिया होल्ड करना चाहिए जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए और हमें कम से कम एक कम से कम तीन ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं एबीसी अगर मैं डिफरेंट ले रहा हूं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते। देखिए 1-2-3 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1-3-4 आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं 1-2-3 तो ये -1 और यहां पे 1 तो क्या आ जाएगा 2 और दोनों के आंसर तो सेम ही नहीं है, मैंने ए की जगह 1 लिया, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 लिया, तो मुझे ये एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके लिए ये इन दोनों साइड्स का जो जवाब है वो तो बराबर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर द यूजुअल सबट्रैक्शन वो सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। नॉन एम्प्टी सेट एक्स को लिया और जी हमने पावर सेट ऑफ एक्स लिया और हमने चेक कर लिया था कि ये ग्रुप पॉइंट है, यस ये अगेन एक सेमी ग्रुप ही है बिकॉज अगर आप तीन सबसेट लेते हैं इसके और ऑपरेशन आपका यूनियन है तो आप जानते हैं कि यूनियन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ए बी और सी जी में से लिए हैं मैंने तो यूनियन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हुए कि यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो तो एसोसिएटिव लॉ सेट्स के ऊपर होल्ड करता है, तो ये भी ग्रुप, ये भी आपका क्या बन गया, सेमी ग्रुप बन गया। नेक्स्ट है जी आपके पास सेट ऑफ रैशनल्स है और स्टार आपने ये वाला ऑपरेशन लिया हुआ है a+b+1/2, इस स्टार में क्या चीजें हैं आपने उनको ऐड करना है, यूजुअल एडिशन ले रहे हैं लेकिन a को b में ऐड करने के बाद मजीद 1/2 भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये ग्रुप पॉइंट था और ये सेमी ग्रुप भी है, आपको कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले जो इस क्राइटेरिया को फेल कर देंगे बिकॉज यहां पर जो ऑपरेशन है उसकी नेचर कैसी है कि आप जमा कर रहे हैं,
नंबर्स को रैशनल्स को जमा कर रहे हैं और फिर 1/2 भी ऐड कर रहे हैं, 1/2 भी रैशनल ही है, अगेन वो उसमें ऐड भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये भी आपका क्या है, सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लिए अगर 2/2 के, तो इसमें भी हम जानते हैं कि हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जो आपके मैट्रिसेस है उनके मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन ये होगा मैट्रिसेस के लिए ए बी सी, कौन से मैट्रिसेस मैंने लिए हैं, नॉन सिंगुलर लिए हैं ऑर्डर 2/2 के लिए, तो उनके लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये वाला सेट भी क्या है, सेमी ग्रुप। नेक्स्ट देखें ए फ्रॉम 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी और ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लीकेशन का रियल नंबर्स के लिए, ये आपका सेट जो है ये भी ग्रुप वाइड है और ये सेमी ग्रुप भी है। आपको ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले कि जो इस क्राइटेरिया को फिल करते, ये भी क्या है आपका सेमी ग्रुप है। तो ये सेट ए इस ऑपरेशन के तहत क्या है, सेमी ग्रुप।